परिचय अपना देते हुए। मेरा नाम अमर कुमार है और मैं मूल रूप से मीठापुर का निवासी हूँ। आज मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कल 16 अक्टूबर को मैं अपने फर्स्ट आउटलेट का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। इनॉग्रेशन है कल, जिसका नाम है मन्ना लाल स्वीट्स। ये मन्ना लाल स्वीट्स हमारे दादाजी के नाम से है। हमारे दादाजी का नाम मन्ना लाल साव है और ये पटना में पहला आउटलेट है। इसमें हम स्वीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे आउटलेट पे स्वीट्स है, बेकरी है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है और स्ट्रीट फूड्स वगैरह है और मॉकटेल्स है, आइसक्रीम पार्लर वगैरह है। ये सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो स्वीट्स डिपार्टमेंट है प्योरली शुद्ध घी बेस्ड हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे और सब हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है। हमारा बेकरी डिपार्टमेंट जो है वो कुकीज़ और केक बना एक्सपर्ट है, जिसके जो शेफ़ वगैरह है वो हैदराबाद से मैंने कुकीज़ के लिए लेके आए हैं। और हमारा जो नमकीन डिपार्टमेंट है, इन लोग चाट्स और कई तरह के तकरीबन 40 तरह के नमकीन बनाते हैं। और हमारे फाइन डाइन में मेन कोर्स में सारे आइटम है, लाइक तंदूर, चाइनीज़, साउथ इंडियन, ऑल आइटम्स है हमारे पास। इंडियन कजन्स में जितने भी होते हैं, प्योरली वेज रेस्टोरेंट है हमारा। कस्टमर को किस तरह से प्रोटेक्शन दीजिएगा? कस्टमर्स के लिए मेरा एक और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्वालिटी। हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, चाहे हमारा स्वीट्स हो, चाहे हमारा बेकरी हो, हमारा फर्स्ट और लास्ट जो है वो क्वालिटी ही है। अच्छा, जो भी मतलब पहले से आउटलेट खुल चुके हैं, आपके कंपटीटर भी बहुत होंगे, तो उनसे निपटने की किस तरह की तैयारी है आप? देखिए, मार्केट में बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं, सबका अपना अपना USP है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमको किसी से निपटना नहीं है, ठीक है। हमको अपना पहचान बनाना है, मुझे अपना पहचान बनाना है। हमारा अपना नाम है, अपना प्रोडक्ट है, हमारा काम करने का तरीका, हमारा सब कुछ अपना होगा। ऑप्शंस है मार्केट में, हर तरह का ऑप्शन है। हल्दीराम देश का सुप्रसिद्ध स्वीट्स और बेकरीज और रेस्टोरेंट्स में, वेज रेस्टोरेंट्स में एक है, कह सकते हैं कि हम भी उसके सिमिलर हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि सबका अपना अपना USP होता है, सबका अपना अपना प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोडक्ट है, हमारा अपना खुद का होगा। रेट जो है वो पॉकेट फ्रेंडली होगा और कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, उनका जो मार्केट रेट के हिसाब से होगा, कुछ कोई ऐसा महंगा नहीं होगा, बजट फ्रेंडली ही होगा। हमारा बिहार जो है मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज हैं यहाँ पे और लोअर मिडिल क्लास है, तो हम उनके लिए ही हैं। मन्ना लाल का जो हमारा जो मेनली चार डिपार्टमेंट है स्वीट्स में, ये सब अपने आप में खास है, ठीक है। और जो भी हमारे कारीगर हैं सब अपने आप में एक्सपर्ट है, सब सुप्रसिद्ध है, सब बिहार से बाहर बड़े बड़े आउटलेट्स पे काम किया है, बरेली में काम किया है, सिंधी पंजाब वगैरह में काम किया है, तो ये आप टेस्ट करके खुद बताएंगे। इसके अलावा जो मैंने बताया कि हमारा जो बेकरी डिपार्टमेंट है, इसके सेफ जो है कुकीज़ जो बना रहे हैं, आप लोग टेस्ट कीजिए, ये हमारे हैदराबाद से आए हैं और जो केक बना रहे हैं ये कोलकाता से आए हैं। तो हमने जो है पूरी टीम जो है चुन चुन करके और जो सबसे बेस्ट टीम है उसको मैंने उतारा। इसके बाद क्या कोई और आउटलेट? हाँ, हमारा ही पाइपलाइन में इसके अलावा दो आउटलेट और है, जिसको हम जल्द ही उसके लिए फिर हम प्लानिंग कर रहे हैं। दीपावली के बाद हम लोग दूसरे आउटलेट पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, हम लोग जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जोमेटो, स्विगी, सब पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा हमारे खुद का जो टीम है वो भी डिलीवर करेगा 5 किलोमीटर के रेंज में। बिहार का चर्चित लिट्टी चोखा क्या है इसमें? हाँ, बिहार का जो भी सुप्रसिद्ध चीज़ है वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मिठाई में गाजा है, ठेकुआ है, सब ठेकुआ से लेकर नीमकी से लेकर के जितने मिठाई के बूंदी लडुआ से जो टिपिकल बिहार का चीज़ है उसको हमने खास फोकस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि USP क्या है हम लोग का। USP ये है कि बिहार में अगर आप देखो तो हेल्थ के हिसाब से उस हिसाब का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो ये सर्व करता है। हम लोग मिलेट्स पे फोकस करेंगे, मिलेट्स भी हमारा एक सेक्शन रहेगा जिसमें
जैसे अभी मिलेट ईयर चल रहा है सबको पता है, हम लोग उस सेक्शन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि पहला है बिहार में, बिहार में कोई सर्व नहीं करता। हमारे यहाँ हाइजीनिक का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे हमारा ऑन किचन है, चाहे हमारी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, हम लोग हाइजीनिक का सबसे खास ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट का किचन है, अभी आप रेस्टोरेंट का किचन देख सकते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ से पास में ही है जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट का काम होता है, वो भी देख सकते हैं।